हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द आर्ट हॉलिक एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज मैं जिस टॉपिक पे ड्राइंग करूँगी वो बहुत ही इजी है। मैं फ्रेंडशिप डे के ऊपर आज एक छोटा सा ड्राइंग करूँगी और मैं वो भी ऑयल पेस्टल से। दिस वीडियो विल बी वेरी सिंपल, आई मीन दिस ड्राइंग विल बी वेरी सिंपल एंड मैं एक इसके साथ एक पुरानी याद भी जोड़ रही हूँ कि हम लोग पहले फ्रेंडशिप बैंड यूज़ करते थे तो अब नहीं करते हैं। मैं वो ही उसके ऊपर ही मैं एक ड्राइंग कर रही हूँ आज, तो देखते रहिए और देख के मुझे बताइए आप लोगों को कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं। सो मैं पहले बॉर्डर लाइन क्रिएट करने के बाद आउटलाइन ड्रॉ करना शुरू कर दिया जो मैं हर पेंटिंग में करती हूँ। तो आज का आउटलाइन जो है वो बहुत ही सिंपल है पर थोड़ा सा ट्रिकी भी है। तो इधर मेरा वीडियो पॉज हो गया था तो थोड़ा सा पार्ट फिल्म नहीं हो पाया, तो उसी के लिए माफ़ी चाहती हूँ। अब मैं कलरिंग स्टार्ट करूँगी। कलरिंग के लिए मैं पहले ही लाइट ऑरेंज जो है वो ले रही हूँ, येलो का डॉट शेड ले रही हूँ, डीप ऑरेंज एंड ब्लैक एंड वाइट का यूज़ करूँगी। उसके साथ साथ मैं लाइट ब्राउन भी यूज़ करूँगी। आपको जो दिख रहा है जो कलर मैंने लिया वो कलर मैं सिर्फ हाथ के लिए यूज़ करूँगी। मैंने दोनों हाथ को दोनों अलग कलर से कंप्लीट किया। तो जो बड़ा वाला हाथ है जो ऊपर दिख रहा है वो हाथ के लिए मैं पहले टिन कलर यूज़ करने के बाद येलो टोन दे दिया। येलो के बाद मैं उसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। येलो देने के बाद मैं उसको ब्लेंड कर दूंगी। तो ब्लेंड का पार्ट मैंने दोनों हाथ को कलरिंग का पार्ट कंप्लीट करने के बाद ही मैंने ब्लेंड का पार्ट चालू कर दिया। तो मैंने दूसरे हाथ के लिए भी पहले टिन कलर यूज़ किया पर दूसरे हाथ के लिए मैंने येलो कलर सेकेंड यूज़ नहीं किया, मैंने उसके लिए ऑरेंज कलर यूज़ किया था। और अब मैं जो उसका जो बॉर्डर लाइन है मतलब कि जिधर डार्क शेड है उधर मैं लाइट ब्राउन यूज़ कर रही हूँ और दूसरे हाथ के लिए मैं बॉर्डर लाइन के लिए डीप ऑरेंज यूज़ करूँगी। तो ये बहुत ही सिंपल है, आप जैसे देख पा रहे हैं मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से किया। अगर कोई बच्चों के मतलब कि ये पेंटिंग एक बच्चों के लिए भी है बड़े के लिए भी है, एक टॉपिक है इसमें। तो जिसको किसी को भी ये वाला पेंटिंग अच्छा लगेगा और अगर किसी को कार्ड मेक करना है कार्ड मेकिंग में भी ये वाला पेंटिंग अच्छा लगेगा। तो अब मैं कॉटन बार से ब्लेंड करना शुरू कर दूंगी। इधर मैं टिश्यू पेपर का यूज़ नहीं किया क्योंकि कुछ पिक्चर में मतलब कुछ पेंटिंग में टिश्यू पेपर के यूज़ करने से जो कलर है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है और बाहर जो बैकग्राउंड है उसमें भी कलर स्प्रेड आउट होके पेंटिंग ख़राब होने का चांसेस रहता है। तो मैं कॉटन बार यूज़ किया ब्लेंडिंग के लिए। अब मैं डोम्स का जो ब्रश पेन मिलता है बाज़ार में मैं वो ख़रीदा और वो मैं यूज़ कर रही हूँ बैंड के लिए। जो फ्रेंडशिप बैंड मैं ड्रॉ किया इधर वो उसको मैंने हाईलाइट किया डिफरेंट डिफरेंट कलर से। मैंने स्काई कलर लिया, लाइट ग्रीन कलर लिया, ऑरेंज रेड एंड पिंक कलर भी यूज़ किया। तो अब मैं जो नेल है फिंगर्स का वो वाला पार्ट कंप्लीट कर रही हूँ वाइटनर से। इधर मैंने कुछ नेल पॉलिश वगैरह यूज़ नहीं किया, आई मीन नेल पॉलिश नहीं दिखाया पेंटिंग में, इसका फिंगर वाइट ही रहने दिया। अब मैं बैकग्राउंड के लिए पिंक कलर, रेड कलर और पर्पल कलर ले रही हूँ। इन तीनों कलर से मैं पूरा पेंटिंग कवर करूँगी। और इधर एक बात है, ये तीनों कलर यूज़ करने के पहले आपने जैसे देखा मैंने वाइट कलर का यूज़ किया बॉर्डर लाइन एक मेक किया, तो वो बॉर्डर लाइन इसीलिए मैंने किया वो वाइट कलर क्या करेगा आपका जो हैंड्स का येलो कलर है उसके साथ मिक्सअप नहीं करेगा दोनों कलर को। आप देख ही पा रहे हैं मैं कॉटन बार से वो पार्ट ब्लेंड कर दिया। अब मैं हैंड से पूरा बैकग्राउंड ब्लेंड कर दूंगी और मैंने जो हैंड्स के ऊपर और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट करने के लिए ब्लैक कलर का पेन यूज़ किया और बैंड के ऊपर फ्रेंड्स लिखने के लिए मैंने 10B पेंसिल का यूज़ किया।
तो आज का पेंटिंग यही ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। मेरी वीडियो देखते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए। थैंक यू। अगर आप लोग ये वाला पेंटिंग ट्राई करते हैं तो मेरे साथ शेयर करना मत भूलना। मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप लोग मुझे वहाँ DM कर सकते हैं। होप आप लोगों को इस वीडियो अच्छा लगा। तो और भी पेंटिंग देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल और लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिए। और प्लीज़ नोटिफिकेशन बटन ऑल कर देना। नेक्स्ट वीडियो ऑन संडे। बाय बाय।